में दिल्ली ने ऑक्सीजन मांगा 4 गुना। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस हो रही है। आफत पर थी सियासत, अब हो गई 100 गुना। यहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, उसकी वजह से जनता में भी पैनिक हुआ। टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर बीजेपी ने मांगा जवाब। जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया। दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट के वजूद पर उठाए सवाल। उस कमेटी के मेंबर से फोन पे बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई रिपोर्ट बनी ही नहीं है। बीजेपी का पलटवार, दिखाए सबूत अब की बार। इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन NCT ऑफ दिल्ली। सियासी वार में ऑक्सीजन बन गया हथियार। अरविंद पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। जो मांग थी वो ऑलरेडी दिल्ली के अंदर उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सवाल ऑक्सीजन का, वही ऑक्सीजन जिससे लोगों की सांसें कोविड के वक्त बीमारी के बीच चल रही थी। लेकिन सवाल ये क्या कि झूठ बोले, ऑक्सीजन बांटे। आरोप बीजेपी लगा रही है आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर। उनका यह आरोप है कि जितने ऑक्सीजन की जरूरत थी उससे 4 गुना मांगी दिल्ली सरकार ने। ये तमाम सवाल जो ऑक्सीजन की मांग को लेकर खड़े हो रहे हैं, दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट के बाद सामने आए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का कहना है कि ये सब बहाना है बीजेपी को सिर्फ केजरीवाल पर निशाना मारना है। लेकिन इसी के साथ उनका यह भी कहना है कि हम लड़े तो दिल्ली वालों के लिए लड़े। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी और राघव चड्ढा मोर्चा संभालेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक। एक छोटे से रिपोर्ट हम आपको पहले जल्दी से इसकी दिखा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। आपको याद होगा कि जब कोरोना की दूसरी लहर ने दिल्ली वालों की सांसों को मुश्किल में डाल रखा था तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन को लेकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। दिल्ली सरकार की ओर से लगातार ऑक्सीजन की मांग की जा रही थी, लेकिन अब जाकर ये खुलासा हुआ है कि दिल्ली को जितने ऑक्सीजन की जरूरत थी मुख्यमंत्री उससे 4 गुना ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे। क्योंकि दिल्ली है, आप लोग हो, मीडिया है, शोर मचा रहा है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। पता लगा कि यहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, उसकी वजह से जनता में भी पैनिक हुआ। लेकिन सरकार ने उसने क्या उस समय झूठ बोला वो नहीं देखा। सरकार ने जितना कहा पूरा किया, उसके बाद क्या हुआ अब देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीजें जो हुई हैं ये बहुत ही बड़ा पाप है, पाप किया है। सवाल खड़े हो रहे हैं, विवाद बढ़ रहा है, तो दिल्ली के सीएम कह रहे हैं मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा जब आप अपनी चुनावी रैली कर रहे थे। मैं रात भर जग कर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था, लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है, उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। दरअसल दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने टास्क फोर्स का गठन किया था ताकि विवाद की हकीकत सामने आ सके। ऑक्सीजन किल्लत पर बनी टास्क फोर्स ने जो रिपोर्ट दी है उसमें लिखा है कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी सरकार ने उससे 4 गुना की मांग की। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी लहर के वक्त दिल्ली को करीब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन मांग की गई करीब 1200 मीट्रिक टन। रिपोर्ट में लिखा गया है कि दिल्ली सरकार की गैर जरूरी मांग का खामियाजा 12 राज्यों को भुगतना पड़ा, यानी 12 राज्यों की ऑक्सीजन सप्लाई कम करनी पड़ी। दिल्ली सरकार जितनी ऑक्सीजन की मांग कर रही थी उतनी ऑक्सीजन के भंडारण का इंतजाम करना सरकारी तंत्र के बस की बात नहीं थी। टैंकर अगर खाली करने होते तो सरकार के पास उसे डंप करने का कोई इंतजाम नहीं था। रिपोर्ट का मजबूत सामने आने के बाद बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दिल्ली सरकार रिपोर्ट के वजूद पर ही सवाल खड़े कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा रखा गया था कि किस प्रकार दिल्ली और मुंबई के बीच में उतने ही केसेस एक दिन का
मई 3 तारीख को मुंबई के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस 92,000 थे और दिल्ली में 95,000 थे, दोनों के लगभग बराबर है। मगर मुंबई को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो थी 275 मेट्रिक टन और दिल्ली ने जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से कहा वो 900 मेट्रिक टन का था। मुंबई 200 में मैनेज कर सकती है उतने ही मरीजों का और दिल्ली में 900 मेट्रिक टन, क्यों? केवल इसलिए ताकि आक्षेप लगाया जा सके। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के कोई मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती है और फिर उसको जारी करके कहती है ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये महाझूठ बोलते हुए। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाते हो और उसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट कहते हो। अगर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने कोई रिपोर्ट बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और तथाकथित बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं वो रिपोर्ट जारी करें और बताएं कि उस पर कहां है ऑक्सीजन कमेटी रिपोर्ट साइन। जब दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी के संबित पात्रा ने दावा किया कि 3 दिन पहले ही रिपोर्ट केजरीवाल सरकार को सौंप दी गई थी। बहरहाल टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर विवाद बढ़ रहा है, सियासत सुलग रही है, लेकिन रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात लिखी गई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि कई अस्पतालों के प्रबंधन को किलोलीटर और मीट्रिक टन के बीच अंतर के बारे में जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि निजी अस्पतालों ने भी उन मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मांग रख दी थी जिनको उस समय ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। ये तय हो चुका है कि अरविंद पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। जो मांग थी वो ऑलरेडी दिल्ली के अंदर उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल थी, लेकिन जो पैनिक क्रिएट किया गया, जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ, उसका नतीजा ये रहा कि दिल्ली के अंदर सड़कों पर लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे, लोग मरते रहे। मैं अभी ये कंप्यूटर रखा है इसके ऊपर, मैं ट्रंप के नाम से कोई रिपोर्ट बना दूं, मुझे टाइप ही तो करनी है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, दे देना। रिपोर्ट तो तब होती है ना जब उसके ऊपर किसी आदमी ने हस्ताक्षर करके लिखी हो कि भाई मैं और ये पैनल जो है वो इस रिपोर्ट को दे रहा है। उसके ऊपर कोई हस्ताक्षर है ही नहीं क्योंकि वो रिपोर्ट है ही नहीं, इन्होंने ही बनाई है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में जिन अस्पतालों पर सवाल उठाए गए हैं उनमें निजी अस्पतालों के साथ 4 सरकारी अस्पताल भी हैं। अब देखना होगा कि रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।